अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक चैद एजुकेशन वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो गाइज आज है तारीख इकतीस अक्टूबर दो हजार बाईस और है मंडे देखेंगे आज के द हिंदू कम्प्लीट न्यूज़ पेपर को कंप्लीट न्यूज़ पेपर को एनालाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पी डी एफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यू एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है जैसे आप उस पर क्लिक करोगे यह चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इसको जाके ज्वाइन कर लेना ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पी मिल जाता है डेली करंट अफेयर के वीडियो का पी मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एजेंसी को देखो अभी रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था और जो भी मैप का क्वेश्चन बार बार न्यूज़ में आता है उसको मैं बता देता हूँ आपको कि ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है उसको बहुत अच्छे से मैप में देख लिया करो अपने पास में लिख कर रख लिया करो तो एजेंसी को अच्छे से मैप में देखना देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रलिम्स में पूछा गया था डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है क्या बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया नीचे ऑप्शन में आपको चार अलग अलग एनिमल्स के नाम दिए गए हैं बताना यह है कि इन चारों में से कौन सा नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कहलाता है ऑप्शन ए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ऑप्शन बी ऑलिव रेडले टर्टल ऑप्शन सी गंगेटिक डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी घरियाल तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ वो आर्टिकल आज के फ्रंट पेज पर ही आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो देखा है वो है गुजरात के एक पुल का तो गुजरात के अंदर एक पुल है मच्छू रिवर के ऊपर तो वो जो पुल है ना वो अचानक से कोलेप्स कर जाता है गिर जाता है और जिस समय वो कॉलेप्स करता है उस समय पर उस पुल के ऊपर साढ़े तीन सौ के आसपास लोग होते हैं सब के सब नीचे गिरते हैं मच्छू नदी के अंदर और सबसे दुखद बात यह है कि लगभग नब्बे लोगों की जान जा चुकी है और डेटा यहाँ पर यह बोलता है कि अभी और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी जान गई है और वो जो डेटा है वो हम लोगों को अभी अच्छे से मिला नहीं है लेकिन फिर भी बोला यह जा रहा है कि एटलीस्ट नब्बे लोगों की जान जा चुकी है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में ये कहाँ पे हुआ है गुजरात के मोरबी टाउन के अंदर फिर उसके बाद में मेंशन ये किया जाता है एक बात ये देखने को मिलती है कि ये जो ब्रिज है ना इसको कुछ टाइम पहले ही रेनोवेट किया गया था यानी वापस से कुछ नया किया गया था रिपेयर किया गया था वैसे बहुत पुराना ये पुल देखने को मिलेगा इसको यहाँ पर रिपेयर किया गया कुछ यहाँ पर चीज़ें बदली गई वापस मतलब ठीक ठाक करके इसको वापस चालू कर दिया गया था लेकिन हमने देखा पिछले कुछ समय पर पूरा फेस्टिवल सीजन चला है बहुत सारे लोग अपने घर गए पूरा वैकेशन चल रहा था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आए थे ठीक है ना एज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह भी ये देखने को मिलती है तो इस समय बहुत सारे लोग इकट्ठे थे लेकिन अचानक से ब्रिज कॉलेब्स करता है जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर वो वीडियो देखा ही था कि क्या सिचुएशन वो क्रिएट हुई है पूरी की पूरी ढेर सारे आर्टिकल्स कल से यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पब्लिश हो रहे थे नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं इस वाले आर्टिकल को हम आगे कवर करेंगे इसको पेज नंबर 14 पर भी कवर किया गया है ना तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं है तो आगे काफ़ी सारी डिटेलिंग्स दी गई हैं तो वहीं पर मैं आप लोगों को ये पूरा आर्टिकल समझाने वाला हूँ ठीक है ना नाउ फिलहाल के लिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग जी पेपर नंबर थ्री एनवामेंट से लिंक कर पाओगे कंजर्वेशन वाले टॉपिक से लिंक कर पाओगे ये सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में मैंशनड हैं बात क्या की जा रही है डॉल्फिन रिटर्न टू द गंगा इन यूपी जो डॉल्फिन हैं वो वापस से गंगा के अंदर रिटर्न हो रही हैं उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की बातें बताई जाती हैं ऐसा कैसे हुआ इसको समझते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो गंगा रिवर की क्वालिटी है ना वो अब इम्प्रूव हो रही है तो गंगा नदी की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है तो जो डॉल्फिन है वो वापस से रिटर्न हो रही है क्योंकि जो डॉल्फिन है उनकी खास बात यह है कि वो साफ़ पानी में रहना फ़्रेश वाटर में रहना ज़्यादातर पसंद करती हैं और जहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती हैं हम इससे अंदाज़ा भी ये लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो पानी है वो साफ़ है वो फ्रेश वाटर है तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जो रिवर की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है वो कैसे हुई है वो हुई है एक प्रोग्राम के तहत हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था नमामि गंगे प्रोग्राम तो बेसिकली इस प्रोग्राम से क्या हुआ गंगा का रिवर वाटर क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ जिसकी वजह से जो डॉल्फिन है वो वापस से यहाँ पर रिटर्न हो जाती हैं ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ना इसको स्टार्ट किया गया था साल 2014 में तब से ही हमने पूरा फोकस किया कि गंगा नदी के अंदर कम से कम कूड़ा जाए और हम लोग इस पर्टिकुलर नदी को पूरी तरह से साफ रखें और इस प्रोग्राम के अंदर अभी हम लोग और भी काम कर रहे हैं और भी एरियाज़ के अंदर फोकस किया गया है कि सेप्टेम्बर दो से लेकर दिसंबर दो तक यानी जो अभी हम लोग इसी टाइम पीरियड के बीच में हैं क्योंकि अभी यहाँ पे नवंबर स्टार्ट होने वाला है कल से तो इन चार पाँच महीनों के अंदर हमारा टारगेट है झांसी कानपुर उन्नाव शुक्लगंज उसके बाद सुल्तानपुर और एरियाज़ आपको जौनपुर देखने को मिलेगा भगपत देखने को मिलेगा ये जो एरियाज़ हैं ना ये भी हमारा टारगेट है कि हम इन एरियाज़ में भी जो रिवर है उसको बहुत ज़्यादा साफ़ करेंगे जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि कूड़ा करकट है उसको हम बहुत कम से कम करने वाले हैं जो भी वेस्टेज है उसको यहाँ पर प्रॉपर ट्रीट किया जाएगा ये बात यहाँ पर मेन्शन की जाती है क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि कानपुर मिर्ज़ापुर वाराणसी ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर डॉल्फिन ब्रीड करती हैं जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी है ना और अभी प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो डॉल्फिन की जो पॉपुलेशन है गंगा के अंदर वो लगभग 600 के आसपास है उत्तर प्रदेश में 600 के आसपास यहाँ पर ये पॉपुलेशन देखने को मिलती है डॉल्फिनस की क्लियर हुई इंफॉर्मेशन तो ये तो आपने करंट इशू समझ लिया करंट अफेयर समझ लिया कि आखिरकार न्यूज़ में क्या चल रहा है गंगा नदी के अंदर डॉल्फिन वापस आ रही है क्योंकि वहाँ पर रिवर वाटर क्वालिटी साफ हुआ वो सारी बातें आपने समझी लेकिन क्या यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस चांसेज नहीं ये तो आपने करंट इशू पढ़ लिया अब आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं डॉल्फिन से संबंधित जब डॉल्फिन की बात आती है तो हम स्पेसिफिकली गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पढ़ते हैं तो गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आज से लगभग दो तीन महीने पहले भी न्यूज़ में थी और पिछले साल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी तो गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है अब हम लोग इसको जानते हैं प्लस नमामी गंगे प्रोग्राम ये दूसरा पॉइंट है जो कि इस आर्टिकल से निकल कर आता है जिसको आपको पढ़ना होगा जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे चलो पहले हम समझते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में अब गैंगेटिक डॉल्फिन का सबसे पहले चीज साइंटिफिक नेम क्या है साइंटिफिक नेम है प्लेटिन स्टा गैंगेटिका गेंगेटिका ये इसका साइंटिफिक नेम है इसकी डिस्कवरी की गई थी इसे तो ऑफिशियली डिस्कवर किया गया था एटीन में अब ये कहाँ पर रहती है ये जो डॉल्फिन है ये गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम जो है नेपाल इंडिया और बांग्लादेश का ये पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा इन सभी नदियों में पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना कर्णफुली संगू रिवर जो सिस्टम है ये कुछ अलग रिवर्स हैं इन सभी रिवर्स के अंदर ये डॉल्फिन पाई जाती है ना उसके बाद में अगर हम लोग बात करें गंगा रिवर डॉल्फिन की तो आप कह सकते हो कि ये जो डॉल्फिन है ना इसको हम जो गंगेटी डॉल्फिन बोलते हैं ये साफ़ पानी में रहना पसंद करती है फ्रेश वाटर में रहना और इससे हम लोग अंदाज़ा भी लगाते हैं जिस भी एरिया में डॉल्फिन मिल जाए तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया का जो पानी है वो काफ़ी साफ़ है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया और एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जो डॉल्फिन है ये ब्लाइंड होती हैं ये देख नहीं सकती अब ये जब देख नहीं सकती तो अपना शिकार कैसे करती हैं छोटी मछलियों को कैसे खाती होंगी तो इसके पीछे यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे आखिरकार कैसे होता होगा कैसे जीवित रहती होंगी अगर जब ये देख नहीं पाती तो क्योंकि देख नहीं पाएंगी तो कुछ खा नहीं पाएंगी शिकार नहीं कर पाएंगी तो देखो इनको यहाँ पर नेचुरली एक क्वालिटी मिली हुई है वो क्या है तो ये यहाँ पर क्या करती है अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करती हैं ये काम कैसे करता है मैं आपको समझाता हूँ एक पिक्चर के माध्यम से देखो इस पिक्चर को देखो यहाँ पर ये डॉल्फिन हो गई अब ये डॉल्फिन कैसे शिकार करेगी अपना सपोज इसके आगे छोटी छोटी मछलियाँ अब ये देख तो सकती नहीं तो कैसे शिकार करती है डॉल्फिन क्या करती है अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है अल्ट्रासोनिक वेव्स को ऐसा करके छोड़ती है ये अभी जो वेव्स हैं अब ये सामने सपोज़ यहाँ पर अपने शिकार से टकराएंगी वेव्स तो वो वेव्स टकराने के बाद में वापस से रिफ्लेक्ट होती हैं तो वापस से जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो वापस से इस डॉल्फिन तक ये खबर पहुंचेगी और ये जो डॉल्फिन है वो इसी रिफ्लेक्टेड वेव्स का इस्तेमाल करके अपने शिकार को पकड़ती है ठीक है ना इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एकको लोकेशन क्या बोलते हैं एको लोकेशन ध्यान रखना जहाँ पर डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके अपने शिकार को करती है क्लियर हो गया ये मैंने आपको यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में बताया ये आपको गंगेटिक डॉल्फिन इस प्रकार से देखने को मिल जाती है और इसके बारे में अगर बात करें तो हम लोग बहुत लंबे समय से इसको बचाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसकी संख्या पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुई है अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली पॉपुलेशन के ऊपर जब बात करते हैं पॉपुलेशन की तो दुनिया भर में जो इस पर्टिकुलर प्रजाति की पॉपुलेशन है वो लगभग आपको चार हज़ार के आसपास देखने को मिलती है और जो चार हज़ार की प्रजाति है मतलब इतनी जो पॉपुलेशन पाई जाती है इसमें से अस्सी प्रतिशत केवल इंडिया के ही अंदर पाई जाती है इस वजह से इंडिया के अंदर डॉल्फिन काफ़ी पॉपुलर है इम्पोर्टेंस की बात करें तो देखो इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम करती है जिस भी रिवर के अंदर पाई जाती है हम उससे पता लगा सकते हैं वहाँ का जो रिवर इको है वो बहुत अच्छा है क्योंकि इसको खुद फ्रेश वाटर में रहना पसंद है बाकी अगर हम थ्रेड्स की बात करें यानी कि इसको क्या क्या खतरा है तो कैचिंग का सबसे बड़ा खतरा होता है इसकी पॉपुलेशन क्यों कम हुई है कम इसलिए हुई है क्योंकि देखो जब मछलियां पकड़ी जाती हैं ना तो मछलियां पकड़ते समय बहुत सारी डॉल्फिन भी उस जाल के अंदर फंस जाती हैं मछली पकड़ने वाले जाल के अंदर भले एक्सीडेंटली फसलियां कैसे भी फंसें और फंसने के बाद यहां पर उसी के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है तो बेसिकली यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कारण बन जाता है डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन की गिरावट के पीछे का उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है पोल्यूशन इंडस्ट्री से बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है एग्रीकल्चर से बहुत सारा पोल्यूशन निकल रहा है ह्यूमन तो पोल्यूशन कर ही रहा है तो जितना भी यह प्रदूषण जो पानी के अंदर जा रहा है ये भी कहीं ना कहीं डॉल्फिन के लिए खतरनाक है क्यों क्योंकि डॉल्फिन को फ्रेश वाटर में रहना पसंद है क्लियर हो गई बात अब उसके बाद में कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें यानी कि हम लोग किस प्रकार से इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन में इसको शेड्यूल वन में रखा गया है मतलब डिस डॉल्फिन को बहुत हाईली प्रोटेक्शन दी गई है अगर कोई इसकी हंटिंग वगैरह करता है तो बेसिकली उसके ऊपर हाई पेनल्टी चार्ज की जा सकती है आई के अंदर इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखने का मतलब है इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है देखना मैंने बताया ना 4000 के आसपास पॉपुलेशन है बहुत कम है और अगर वो भी खत्म हो जाए तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाएगी और वो भी यहाँ पर पॉपुलेशन ख़त्म हो जाए बची कुची भी मतलब ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी फिर वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में पहुंच जाएगी फिर एक टाइम बाद हम ध्यान रखा करेंगे सोचे करेंगे कि हाँ डॉल्फिन नाम का कोई जानवर हुआ, मतलब हुआ करता था कोई मतलब एक तरीके से एक्वेटिक एनिमल हुआ करता था ठीक है ना तो ये बात ध्यान में रखना आई के अंदर इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है बाकी साइट्स वाली कैटेगरी में साइट्स क्या है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स वन में रखा गया है ठीक है ना इसका जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह व्यापार वगैरह है उसके ऊपर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे उसी प्रकार से एक और इंडेक्स होता है एक और लिस्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी तो जो ये सी वाली लिस्ट होती है ना इसके अंदर इस डॉल्फिन को अपेंडिक्स टू में रख रखा है क्योंकि यहाँ पर जो भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती हैं इधर से उधर जाती हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाता है तो इस पर्टिकुलर चीज़ में देखें अपेंडिक्स टू में रखने का मतलब है कि देखो इनको ज़रूरत है बहुत हाई प्रोटेक्शन की और प्रॉपर मैनेजमेंट की तो ये बातें आपको यहाँ पर इसके प्रोटेक्शन स्टेटस के तौर पर याद रखनी है कोई भी जानवर न्यूज़ में आता है तो मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग आयुषन स्टेटस इसका साइट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये चीज़ें नोट डाउन करके रखा करो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रिसेंट टाइम में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कदम उठाए गए हैं जैसे नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को बनाया गया ये जो सेंटर है ना ये बेसिकली 4400 स्क्वायर किलोमीटर प्लॉट ऑफ लैंड के अंदर देखने को मिलेगा और ये बनाया जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी के प्रेमसिस में इसका काम है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को लेकर काफ़ी सारी रिसर्च करना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना इसी प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो एक और कदम उठाया गया वह है डॉल्फिन सेंचुरी विक्रमशिला गेंगेस डॉल्फिन सेंचुरी जो है ना इसको एस्टेब्लिश किया गया था इसको बनाया गया था बिहार के अंदर में फिर आता है नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे तो नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल पाँच अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि हम लोग डॉल्फिन्स के बारे में अवेयरनेस फैला सकें इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें नंबर वन पॉइंट इस आर्टिकल का हो जाता है कवर अब आता है नंबर टू पॉइंट की तरफ बेसिकली यहाँ पर ये सारा काम किया गया है यानी डॉल्फिन्स जो आज के टाइम पर बड़ी हैं गंगा नदी के अंदर वो वहाँ के साफ़ सुथरे पानी की वजह से बड़ी हैं वो साफ़ सुथरा पानी कैसे हुआ गंगा नदी के अंदर क्योंकि उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नमामि गंगे प्रोग्राम को नाउ नमामि गंगे प्रोग्राम बेसिकली अपने आप में ही हमारा एक मिशन था एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था हमारी सरकार का जिसको साल 2014 में जून के मंथ में स्टार्ट किया गया था इसमें ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हम लोग गंगा नदी के अंदर से पॉल्यूशन को ख़त्म करें यानी जो प्रदूषण है उसको ख़त्म करें और साथ ही साथ में गंगा नदी को वापस से जीवित किया जाए रेजुविनेट किया जाए जो भी यहाँ पर जिस प्रकार से उस समय सिचुएशन थी गंदगी बहुत ज़्यादा थी तो उसको वापस से साफ़ करके वापस से जीवित करने के बारे में चर्चा की गई थी देन उसके बाद में बताया गया जाता है कि जो ये नेशनल सॉरी नमामि गंगे प्रोग्राम है ना इसको चलाया जाता है इसको ऑपरेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के थ्रू ठीक है ना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है इस प्रोग्राम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया यानी कि इस प्रोग्राम को लागू किसने किया है तो लागू किया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के थ्रू अब ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा क्या है तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक बॉडी है जो कि नेशनल गंगा काउंसिल के अंडर में आती है ठीक है ना ये बात यहाँ पे ध्यान रखना इस बॉडी को काम सौंपा गया है गंगा नदी के प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर जो पैसा कितना खर्च करने के लिए बारे में चर्चा की गई थी तो बीस हज़ार करोड़ रुपए बेसिकली यहाँ पर ये सेंट्रली फंडेड अमाउंट देखने को मिलेगा और इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाने के बारे में भी चर्चा की गई थी इस नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर में टू प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं इन प्रोजेक्ट्स के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं गंगा को और ज़्यादा रेजूवरेट कर रहे हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसके मेन प्रोग्राम्स क्या क्या हैं मतलब क्या क्या किस किस चीज़ को लेकर ये काम करता है तो पहली बात जो भी यहाँ पर गंदगी है उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है ना फिर उसके बाद में रिवर फ्रंट डेवलप करना रिवर सरफेस को साफ करना नदी का जो सतह है उसमें जो कूड़ा जमा हुआ है उसको साफ़ करना बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना पेड़ लगाना पब्लिक अवेयरनेस फैलाना इंडस्ट्री से जो भी पोल्यूशन निकल रहा है उसको मॉनिटर करना ये जितना भी यहाँ पर काम है ये सब का सब नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत किया जाता है क्लियर हो गया ये मैंने आपको बता दिया मेन प्लेयर्स आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिए हैं फिर अब यहाँ पर इतनी चीज़ें आपने क्लियर करी ये दो पॉइंट क्लियर हो गए जहाँ से सवाल बन सकते हैं एक तीसरा पॉइंट ये भी आता है जब बात आई रही है गंगा नदी की तो गंगा नदी को ही पढ़ लो गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ लो गंगा नदी कहाँ से निकलती है है ना गंगा नदी कहीं से निकलती नहीं है गंगा नदी अपने आप में बनती है है ना अब वो बनती कैसे आपको पता होगा आपने पांच प्रयाग राज के बारे में सुना होगा ठीक है ना पांच पंच प्रयाग के बारे में सुना होगा वो पंच प्रयाग क्या है चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ साथ ही साथ में एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वाले पिक्चर को बहुत अच्छे से दिमाग खोल देखना है और इसको बहुत अच्छे से सुनना है ठीक है ना देखो हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की तो आप भी सोच रहे होंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगा नदी देखो कहाँ से निकलती है ये सवाल ही गलत है गंगा नदी अपने आप में बनती है वो कैसे बनती है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर आपको बद्रीनाथ देखने को मिलेगा बद्रीनाथ मतलब ये आपस में ही है सब बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री सब आसपास में आपको ये देखने को मिलता है अगर हम लोग बात करें बद्रीनाथ की तो बद्रीनाथ से दो नदियाँ निकलती हैं कौन कौन सी दो नदियाँ निकलती हैं एक निकलती है धौली गंगा जो कि मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ और दूसरी तरफ से यहाँ पर निकलती है इधर विष्णु गंगा तो विष्णु गंगा धौली गंगा दो नदियां बद्रीनाथ से निकलती हैं अब दोनों आकर साथ में एक विष्णु प्रयाग बनाती हैं ठीक है ना ध्यान रखना जब भी दो नदी आपस में आकर मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी एक प्रयाग बनाएंगी तो जब यहां पर इस विष्णु तो प्रयाग पर धोली गंगा विष्णु गंगा आपस में आकर मिल जाती है तो फिर ये वापस से निकलती है साथ में मिलकर जब निकलती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है नाम चेंज होकर यहाँ पर अलक नंदा रखा जाता है ठीक है ना तो ये नाम चेंज होकर अलक नंदा रखा जाता है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा गहरी है तो अलक नंदा यहाँ से बहती भी आती है फिर अलकनंदा जब आगे बढ़ रही होती है तो बीच में एक और नदी इसमें आकर मिल जाती है वो कौन सी है वो है नंदाकनी ध्यान रखना मैं नंदाकनी नहीं बोल रहा हूं मैं नंदाकनी बोल रहा हूँ तो नंदाकनी नदी फिर आती है नंदाकनी नदी भी अलकनंदा में मिल जाती है इस प्रकार से रखना, ठीक है ना तो ऊपर यहां पे विष्णु प्रयाग बना था जहां पे धौली गंगा और विष्णु नदी आपस में मिली थी अब यहां पे क्या होता है कि जब ये दोनों मिलकर अलकनंदा बनाती हैं, अलकनंदा बहती भी आती है तो अलकनंदा में बीच में नंदाकनी मिलती है अब नंदाकनी नदी जहां पर मिलती है तो यह बनाता है नंद क्योंकि मैंने आपको बताया जहां दो, दो नदियां मिलेंगी वह प्रयाग बनाएगा तो यहाँ पे नंदाकनी मिली तो ये क्या कहलाता है नंद प्रयाग कहलाता है लेकिन दोनों आपस में मिल गई हैं और यहाँ पे आप देखोगे अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों में से गहरी कौन सी अलकनंदा गहरी है तो जो गहरी होती है उसी के नाम पे वो नदी आगे बढ़ती रहती है तो अलकनंदा फिर आगे यहाँ पर अलकनंदा के नाम से जानी जाती है फिर यह ऐसी आगे बढ़ती रहती है क्योंकि यहाँ पर नंदा से ज्यादा गहरी अलकनंदा है तो ये दोनों मिल जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी अलकनंदा नाम से एक नदी आगे बढ़ती है फिर आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आकर मिल जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पिंडार तो पिंडार गंगा भी यहाँ पर आपस में आकर फिर मिलती है पिंडार गंगा जब यहाँ पर मिलती है अलकनंदा में तो एक और प्रयाग बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण प्रयाग ठीक है ना एक और प्रयाग बनता है कौन सा कर्ण प्रयाग फिर उसके बाद में फिर से यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फिर से अलकनंदा गहरी होती है तो अलकनंदा के नाम पर ये नदी आगे बढ़ती है फिर से यहाँ पर अलकनंदा के नाम से जानी जाती है फिर जब अलकनंदा के नाम से जानी जाती है आगे बढ़ रही होती है तो ऊपर केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आती है मंदाकिनी नदी आकर यहाँ पर फिर से यहाँ पे अलकनंदा में मिल जाती है जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलेगी तो फिर ये क्या कहलाता है ये कहलाता है रुद्रप्रयाग ठीक है ना फिर उसके बाद में अगेन यहाँ पर फिर से अलकनंदा गहरी रही है तो इसी के नाम पे ये नाम चलता रहेगा तो अलकनंदा नदी फिर से यहाँ पर आगे बहती रहेगी अब बहती रहती है तो यहाँ पर एक और नदी निकल कर आती है वो है गंगोत्री से गंगोत्री से निकल कर आती है भागीरथी जब गंगोत्री से ये भागीरथी निकल कर आती है और यहाँ पर आकर किसमें अलकनंदा क्योंकि अलकनंदा के नाम से आ रही है अलकनंदा में बह मिल जाती है भागीरथी अलकनंदा में मिल जाती है तो ये दोनों मिल जाती है ना तो मिलने के बाद में ही गंगा नदी बनती है तो गंगा नदी कहीं से निकल नहीं रही है गंगा नदी अपने आप अप में बन रही है भागीरथी से और साथ ही साथ में अलकनंदा के मिलने की वजह से आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया और एक बात और ध्यान रखना जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलते हैं ये कहलाता है देवप्रयाग अब आप कहोगे यहाँ पे नाम क्यों चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे गहराई बराबर है जहाँ पे दो नदियों की गहराई बराबर होती है तो नाम बेसिकली बदला जाता है लेकिन अगर सपोज़ यहाँ पे दो नदियाँ मिल रही हैं एक की गहराई ज़्यादा है एक की गहराई कम है तो जिसकी ज़्यादा गहराई है उसी के नाम पर आगे नदी बढ़ती रहती है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया तो क्लियर हो गया ना ये इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर भागी रहती और अलग नंदा मिल कर यहाँ गंगा को बनाते हैं तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और मैंने आपको स्टार्टिंग बोला पंच प्रयाग पंचप्रयाग यही है एक विष्णु प्रयाग हो गया नंद प्रयाग हो गया कर्ण प्रयाग हो गया रुद्र प्रयाग हो गया और देव प्रयाग हो गया ये पांचों प्रयाग मिलकर पंच प्रयाग बोले जाते हैं ये पिक्चर मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना और याद रखना कौन कौन सी नदी से मिलकर कौन कौन सा प्रयाग बनता है और मैं आपको बता दूँ आप विश्वास नहीं करोगे लेकिन वन डे एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे मतलब जो भी हमारे बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं अलग अलग तमाम क्वेश्चन पूछे गए इस प्रयाग से ठीक है ना कौन कौन सी नदी को मिलकर कौन कौन सा प्रयाग बनता है वन डे एग्जामिनेशन के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछे गए नौ अब ये आर्टिकल होता है समाप्त अब बताओ इस आर्टिकल में से कुछ रह गया नहीं रह गया इस प्रकार से आपको करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से लिंक करना है हालांकि थोड़ा डिटेल में चले गए हम लोग बहुत कुछ चीज़ें थी यहाँ पे पढ़ने लायक तो यहाँ पे सारी चीज़ें काम की थी डोंट वरी कोई भी आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ है आगे बढ़ते हैं लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सभी लोगों से वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना एक छोटा सा टारगेट है फाइव के प्लस लाइक्स का जिसको आप लोग अचीव करवा सकते हो और आज भी आपको ये करना है साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे और एक और छोटी सी बात जो कि आपको पता ही है जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे वीडियो के अंदर आप प्लीज़ फोकस क्या करो कि उनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा फिर उसके बाद मैंने आपसे मैप का क्वेश्चन पूछा तो उनके आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो बाकी यहाँ पर आप बाकी जो भी कमेंट करना चाहते हो कर सकते हो ठीक है ना तो इससे यहाँ पर आपस में जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी बढ़ता है मतलब काफ़ी सारे लोगों की जो प्रोफाइल्स हैं नाम है वो याद होने लगते हैं तो धीरे धीरे ऐसा होता रहता है तो कॉमेंट में एक्टिवेट होने की ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो चलो फिर आगे आते हैं न यहाँ पर आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा क्या बात की जा रही है आओ हम लोग इसको समझते हैं देखो यहाँ पर मैंशन किया जा रहा है कि जो डी टेस्ट होता है ना सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो डी टेस्ट है डी टेस्ट वगैरह करवाया जाता है अलग अलग केसेस के लिए मैं आपको समझाऊंगा वो कैसे केसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे आपके पास में आपका फंडामेंटल राइट right है राइट टू प्राइवेसी तो अगर यहाँ पर डीएनए टेस्ट किसी को कराने के लिए बोला जा रहा है तो उसका कम से कम ये जो राइट टू प्राइवेसी है ना इसका वॉयेशन हो रहा है इसका हनन हो रहा है अब ये केस शुरुआत कहाँ से होता है समझते हैं एक केस आता है देखो यहाँ ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है जिसका केस उन्होंने नाम मेंशन करने से मना किया होगा तो वो नाम मेंशन नहीं किया गया है एक केस आता है एक महिला है अब वो जो महिला है ना आप कह सकते हो कि वो अब प्रेगनेंट होती हैं तो उनकी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है उनके हस्बैंड से उनके हस्बैंड यहाँ पर बोलते हैं कि देखो पहले यहाँ पर डी एन टेस्ट करवाओ ये किसका बच्चा है तो इस प्रकार से यहाँ पर टेस्ट वगैरह करवाने के लिए बोला गया हालांकि और ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद में उस महिला को मतलब अलग कर दिया गया फिर वो महिला कोर्ट पहुँचती है और कोर्ट के अंदर यहाँ पर इसकी सुनवाई होती है ठीक है ना इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर देखा जाता है फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्ट में भी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं कहीं पर इस चीज़ को सपोर्ट किया जाता है कि चलो ठीक है कहीं पर इस चीज़ को यहाँ पर नकारा जाता है कि नहीं डीएनए टेस्ट कराना सही नहीं है इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है वो चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ये समझना सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि देखो भले ही मान लो यहाँ पर आप डीएनए टेस्ट के लिए बोल रहे हो सपोज़ कहीं से कोर्ट से बोला गया या फिर प्राइवेटली कोई भी डीएनए टेस्ट हो रहा है अगर पर्सन की विलिंगनेस के ख़िलाफ़ हो रहा है यानी कि पर्सन वो नहीं चाहता है डीएनए टेस्ट करवाना लेकिन उसका डीएनए टेस्ट ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयेशन है ये उसके पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन है जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इसका ये वॉयेशन इसको हनन करता हुआ नजर आता है इनफैक्ट एक डेटा है यहां पर उस डेटा में बताया गया कि पहले के कंपैरिजन में अब के समय पर देखें तो डीएनए टेस्ट की जो आप कह सकते हो कि रिकमेंडेशन वो बढ़ चुकी है मतलब बहुत सारे डीएनए टेस्ट अब के समय पर होते हैं इनफैक्ट यहां पे मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं हर साल 20% परसेंट से डीएनए टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं एक रिपोर्ट है डी एन ए लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड अब ये जो पूरी बॉडी है ना इसको मान्यता मिली हुई है नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से एन ए बी एल जिसको हम लोग बोलते हैं इन्होंने ये बताया कि पिछले कुछ समय में क्या हो रहा है कि हर महीने तीन सौ से चार सौ आ रहे हैं डी एन ए टेस्टिंग के अब वो जो डी टेस्टिंग हो रही है कभी कोर्ट की रिक्वेस्ट आ रही है या किसी और का मतलब कोर्ट के ऑर्डर की वजह से डी टेस्ट किया जा रहा है या कोई प्राइवेटली यहाँ पर अपने आप डी टेस्ट कर किया जा रहा है तो इस प्रकार के डी टेस्ट पहले के कंपैरिजन बढ़ चुके हैं जो डीएनए टेस्ट आज से पाँच साल पहले ध्यान सुनना आज से पाँच साल पहले महीने में तीस या चालीस हुआ करते थे वो आज के टाइम पर तीन सौ चार सौ हो चुके हैं तो ये जो डी एन ए टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर मैंशन करता है कि, कि किसी पर्सन को फोर्स करना जबरदस्ती उसके ऊपर जोर डालना कि वो जाकर अपना डी एन ए टेस्ट करवाए तो यह उसके पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेषन है उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयेशन है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना आपको हेल्प मिलेगी ठीक है ना तो छोटा सा आर्टिकल था कुछ ज़्यादा यहाँ पर आपको डिटेलिंग्स नहीं देखने को मिलेंगी इतनी चीज़ याद रख सकते हो नाम यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल है हमारे पी मोदी जब मन की बात एड्रेस कर रहे थे तो उस मन की बात में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स इनके थ्रू दिए गए हैं इन्होंने यहाँ पर क्या क्या बातें बताई हैं और उसको समझते हैं कल ही यहाँ पर ये पूरा का पूरा मन की बात का इवेंट हुआ था उस इवेंट के अंदर इन्होंने मेंशन किया कि हम लोगों ने रिसेंटली अभी क्या किया है छत्तीस वन वेब सेटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है हमने 36 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया और उस सैटेलाइट से क्या होगा जो डिजिटल कनेक्टिविटी है हमारे देश भर में वो कनेक्टिविटी और ज़्यादा मज़बूत होगी यहाँ पे लोगों को और ज़्यादा डिजिटल फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं खासकर कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ तक ये डिजिटल कनेक्टिविटी पहुँचाई जाएगी इस सैटेलाइट की मदद से जो भी हमने रिसेंटली इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है आपको बताऊगा इन छत्तीस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इसरो के सबसे ज़्यादा भारी रॉकेट से मैंने आपको ये डिटेल से डिस्कस भी करा था याद होगा तो हमारे पी मोदी बोलते हैं कि देखो हमने स्पेस सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ों को खोल दिया है खोलने का मतलब है हमने स्पेस सेक्टर के अंदर एक क्रांति लाने के ऊपर फोकस किया है इसको हमने ये ज़ोर दिया कि जो प्राइवेट सेक्टर्स से है वो भी इसके अंदर एंटर करें और प्राइवेट सेक्टर्स भी एंटर कर रहे हैं इन स्पेस की मदद से जो इन स्पेस इस है इसकी मदद से प्राइवेट जो सेक्टर्स से है अगर वो भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि इसरो जो है जो एक स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो हमारी सरकार के अंडर में आती है सरकार इसरो के लिए अलग से बजट लेकर आती है उस बजट में इसरो अपना काम चलाता है काम चलाने का मतलब है अपने रॉकेट्स की मैनुफैक्चरिंग करना उनको लॉन्च करना वो सारा काम उस पर्टिकुलर बजट में करता है जिसकी वजह से जो इजरो है ना उसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं इज़रो खुलकर काम नहीं कर पाता है बाकी जैसे अगर हम लोग बात करें अमेरिका वगैरह में यू में हो गया या दूसरी कंट्रीज़ में देखोगे तो उनकी जो स्पेस एजेंसी जैसे कि यू की नासा है, है ना तो यूएसए के अंदर बाकी प्राइवेट स्पेस कंपनीज का सपोर्ट बहुत मिलता है नासा को अब इसका मतलब क्या है तो जैसे देखोगे इलॉन मस्क की कंपनी हो गई स्पेस एक्स तो स्पेस एक्स का सपोर्ट मिल जाता है उसके बाद जेफ बेजोस की कंपनी हो गई ब्लू ऑरिजन इन सब की अपनी अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनी है वो है ना तो प्राइवेट स्पेस कंपनी भी अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में होती है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है उन प्राइवेट स्पेस कंपनी का हमारी सरकारी वाली स्पेस एजेंसी को वैसे यहाँ पर ये बोला गया कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे इसरो को सपोर्ट मिले हम और ज़्यादा बढ़कर काम कर सकें क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ थोड़े लिमिटेड हैं वो इतना खुलकर काम नहीं कर सकता हर चीज़ की तरफ थोड़ा बजट भी लिमिटेड है तो यहाँ पर प्राइवेट स्पेस कंपनीज आएंगी तो साथ में मिलकर बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा सकता है क्लियर हुई फिर उसके बाद पीएम मोदी मेंशन करते हैं कि आज के समय पर बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के इनोवेशंस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल यहां पर ये बोलते हैं कंचीपुरम कंचीपुरम के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है प्रधानमंत्री कुसुम योजना से जहाँ पर फार्मर्स ने क्या किया सोलर पंप को इंस्टॉल कर लिया है होता नहीं है कि देखो हमारे जो खेत होते हैं ना उसके अंदर सिंचाई करने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो जो पंप है वो बिजली की मदद मतलब से चलते हैं और बिजली अगर बनती है तो वो कोयले जलाकर बनती है उससे पोल्यूशन हो रहा है एक तरफ तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर आपको बिजली से ही चलाना है पंप को तो क्यों ना रिनिएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए क्यों ना सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए जो सौर ऊर्जा है उसका इस्तेमाल करके आप पंप का इस्तेमाल करो है ना तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या करती है इसी सोलर पंप को इंस्टॉल करने का काम करती है सोलर पंप को बढ़ावा देती है कि यहाँ पे जो भी पंप होंगे वो बेसिकली सोलर एनर्जी के बेसिस पर चढ़ेंगे तो यहाँ पर आप बात की गई है बहुत यहाँ पर कुछ फार्मर हैं जो कि कंचीपुरम से बिलोंग करते हैं उनको इस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा हुआ है और उन्होंने अपने खेत में सोलर पंप को लगा लिया है एक ऐसा पंप जो कि बिजली से ना चल कर जो सोलर से मतलब सूर्य एनर्जी जो जनरेट हो रही है उससे चलेगा उससे सिंचाई करेगा खेत के अंदर जो कि अपने आप में एक बहुत इनोवेटिव स्टेप है उसके बाद पीएम मोदी मेंशन करते हैं कि और भी बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ ट्राइबल विमेन है जो हमारी ट्राइबल वेमेन है उनका पूरा एक टीम है कहाँ से कोयम्बतोर से उन्होंने क्या किया लगभग दस हज़ार एकको फ्रेंडली टेराकोटा टी कप्स को बनाया वो भी एक्सपोर्ट करने के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है ना उससे कप बना डाले एक्सपोर्ट करने के लिए तो इस प्रकार से बहुत सारे इनोवेशंस हमारे देश में चल रहे हैं ऐसा यहाँ पर पी मोदी बोलते हैं और ये ऐसा होता भी रहना चाहिए और इसको और ज़्यादा आगे बढ़ावा भी देना चाहिए ठीक है तो ये आर्टिकल के अंदर छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी लेकिन इसमें से काम की चीज़ क्या है काम की चीज़ आपको ज़्यादा कुछ खास मिलेगी नहीं लेकिन जो पीएम कुसुम स्कीम है इसके बारे में जान सकते हो प्रधानमंत्री कुसुम योजना बेसिकली तो इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अगर एक दो इन्फॉर्मेशन और जाननी है तो पी कुसुम योजना के बारे में और देखो सारी डिटेलिंग्स मैं पी में प्रोवाइड करवा दूँगा चलो मैं आपको बता देता हूँ हाथों हाथ तो पीएम कुसुम स्कीम की जब बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिनीबल एनर्जी के थ्रू ताकि हम लोग क्या कर सकें जो सोलर पंप होते हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें खेतों के अंदर सोलर पंप का काम क्या है ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया तो सरकार ने यहाँ पर अपना बजट रखा कि हम फार्मर्स को सपोर्ट करेंगे ये ताकि वो फार्मर सोलर पंप्स को अपने फील्ड में लगा सकें और इससे क्या होगा इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और पी कुसुम स्कीम के अंदर एक और चीज़ बोली गई है वो ये है कि फार्मर्स क्या कर सकें अपने फील्ड के ऊपर अपना जो भी खेत है ना उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करें ताकि उससे सोलर एनर्जी जनरेट हो कैसे सपोज उनका कुछ हिस्सा है जो कि यहाँ पर बंजर ज़मीन है ख़राब ज़मीन है जहाँ पे कुछ उग नहीं रहा है वो ज़मीन ख़राब हो चुकी है तो वहाँ पे फार्मर्स क्या कर सकते हैं सोलर पैनल लगवा सकते हैं अब सोलर पैनल लगवाएंगे तो उससे बिजली का उत्पादन होगा अब वो जो बिजली है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वो फार्म सेक्टर में खेत में दूसरे खेतों में जहाँ पर अच्छे से फसल उग रही है दूसरी चीज़ जो बिजली बन रही है जितना उन्होंने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद में जो रोजाना बच जाती है एक्स्ट्रा सरप्लस है ना जो एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी होती है उसको वो बेच भी सकते हैं वो बेच कर वहाँ से पैसा भी अर्न कर सकते हैं पीएम कुसुम स्कीम के अंदर ये इसके अंदर एक बेनिफिट है जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं ना जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उनको वो सोलर एनर्जी जो सरप्लस वाली है अपना इस्तेमाल करने के बाद में जो बाखरी में बची है उस सोलर एनर्जी को उन डिस्कॉम कंपनीज को दिया जा सकता है ये बेसिकली पीएम कुसुम स्कीम का एक कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ चलो आगे आते हैं नाओ आज हमारे जो छोटे वाले आर्टिकल्स हैं वो कभी थे अब फिलहाल आएंगे हम लोग अपने एडिटोरियल सेक्शन पर देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को तो आज कुछ खास एडिटोरियल है गवर्नर के पावर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है समझेंगे गवर्नर के पावर्स के बारे में पॉलिटी का एक पोर्शन आज मैं आपको कवर करवा दूंगा फिर तो उसके बाद में टेररिज्म के बारे में चर्चा की गई है सीटीसी के बारे में जो अभी परसों मीटिंग हुई है सीटीसी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की समझेंगे सीटीसी क्या है जो प्रिलिम्स के लिए फैक्चुअल डेटा है वो समझेंगे और आपको पता होगा हमेशा मैं एडिटोरियल सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस या फिर दूसरे अखबारों के एडिटोरियल्स भी कवर करता हूँ तो ये एडिटोरियल्स तो हम कवर करेंगे इसके साथ साथ हमारे पास में इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों को कंबाइन करके डिस्कशन करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप के बारे में आपको पता होगा एक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो है मस्टर्ड जो हमारा सरसों होता है ना इसको अलाउ कर दिया गया है कौन सा मस्टर्ड अलाउ किया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड को तो ये न्यूज़ में क्यों है क्या इसका फ़ायदा है क्या नुकसान है वो सारी चीज़ें राइटर बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन हमेशा आपको बताया एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेते हैं तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है नीचे फटाफट स्क्रीन पर देखो तो आज का मेंस का क्वेश्चन है हाईलाइट द की कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन इंडिया आपको बताना है कि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है ना इसका कितना योगदान रहा भारत के अंदर में और एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो जेनेटिक मोडिफिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं यानी जिसको ऐसी फसलें जिसको हम ज, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाया है तो उनको भारत में कैसे रेगुलेट किया जाता है कौन रेगुलेट करता है कौन सी बॉडी के अंदर ये सारी काम किया जाता है ये चीजें यहां पर आपको पता होनी चाहिए इसके बेसिस पर आपको आंसर लिखना है ढाई शब्दों में तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज़ में बना हुआ है तो इसके ऊपर आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है टेलीग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म लिखना आपको वो चैनल मिलेगा एक लाख बीस हज़ार से ज़्यादा सॉरी ये तो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जो मेन्स आंसर राइटिंग है वहाँ पर पैंतीस हज़ार से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं और आंसर्स अपने लिखते भी हैं तो आप लोग क्या करना अपना आंसर सबमिट करना और एटलीस्ट एक छोटा सा काम करना कि सभी लोग दो, दो आंसर्स को रिव्यू करना जब आप सब लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा जैसे कि आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट होंगे और साथ ही साथ में आप सामने वाले को उनकी मिस्टेक्स के बारे में बता सकते हो कि आपको यहाँ यहाँ पर एक सुधार की आवश्यकता है समझ में आई बात तो जाकर मेंस वाले ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना नव आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पर सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का हम लोग ये पर्टिकुलर एडिटोरियल उठाएंगे जो मैंने आपको आज आंसर राइटिंग लिखने के लिए दी है उसको लेकर मैं पूरा आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से सुनना है फिर उसके बाद में अपने शब्दों में आंसर लिखना है तो इनडायरेक्टली आपको पूरा आंसर ही मिल जाएगा तो यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया है जीएम मस्टर्ड क्रॉप क्या है इसको अंडरस्टैंड करेंगे आखिरकार क्या है कैसे यहाँ पर उसको हमने अचीव किया तो वो सारी बातें यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर एडिटोरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे देखने को मिलेंगे आप लोग प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से देखना और सुनते हुए चलना आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा फिर उसके बाद में अपना आंसर लिखना तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में मतलब आज ये वाला टॉपिक ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर इन फ्यूचर कोई आर्टिकल आए तो उसको पढ़ना ही मत इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है देखो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स हमारे भारत में चलते रहते हैं और एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स जब चलते हैं तो बहुत कुछ फ़ायदा भी मिलता है उससे लेकिन अभी के टाइम पर बायोटेक्नोलॉजी बहुत न्यूज़ में है बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना फसलों के जो जीन होते हैं फसलों के जैसे जीन क्या होते हैं डी एन होता है ना ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड तो फसलों के जो डी एन ए होते हैं उसको मॉडिफाई करना उसके अंदर कुछ बदलाव करना चेंजेस करना वो कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तो ये चीज़ आज के टाइम पर नई एंटर कर चुकी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ठीक कर सकें और ये अभी केवल भारत के अंदर तक सीमित नहीं है भारत के अलावा दुनिया भर के बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप्स का इस्तेमाल करती हैं और अपनी क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड वो कर रही हैं ठीक है ना जैसे भारत के अलावा बात करें तो यूएसए, ब्राज़ील अर्जेंटीना कनाडा ये दुनिया में टॉप फाइव जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत सारी फसलें ऐसी हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के बाद में उगाई जाती हैं दुनिया भर में अगर आप लोग देखोगे कि कितने देश हैं जहां पर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है तो उसका 90 प्रतिशत ये पाँच के पाँच देश कवर करते हैं जिसमें भारत भी प्रेजेंट है फिर उसके बाद में मेंशन किया जाता है क्या ज़रूरी है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करना अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं क्या नुकसान भी हो सकते हैं हाँ बिल्कुल नुकसान भी हो सकते हैं बहुत खतरनाक नुकसान हो सकते हैं अभी तक हमारे पास में कौन कौन सी जेनेटिकल मोडिफिकेशन क्रॉप्स हैं ये सारी बातें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे या प्रिलिम्स में कोई सवाल आएगा तब उसको टैकल कर पाओगे तो स्टार्ट यहाँ पर करते हैं पहले कि आखिरकार जानते हैं कि सर जेनेटिक मोडिफिकेशन होता क्या है जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर चेंजेस कर देना बदलाव कर देना मैं आपको समझाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर दो फसलें ले ली समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं फ्लार का यानी फूल का सपोज यहाँ पर हम लोगों ने दो फ्लार ले लिए फ्लार नंबर वन और फ्लार नंबर टू जो फ्लार नंबर वन है यह है रेड कलर का ठीक है ना और फ्लार नंबर जो टू है ना वो है पिंक कलर का अब करेंगे क्या हम लोग हम लोग को एक नया फ्लावर चाहिए तो रेड वाले और पिंक वाले में हम लोग क्या करवा देंगे क्रॉस ब्रीड करवा देंगे इनकी ब्रीडिंग करवा देंगे अब क्रॉस ब्रीडिंग से यहाँ पर क्या होगा कि ये एक नए पौधे को जन्म देंगे जिसमें रेड वाले की और पिंक वाले की दोनों की क्वालिटीज़ होंगी हो सकता है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा हो उसकी क्वालिटीज़ और अलग हो, उसके अंदर खुशबू बहुत ज़्यादा हो वो थोड़ा ज़्यादा समय तक खिला रहे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर हो सकती हैं जब हम लोग इसके जीन को और इसके जीन को मिलाकर काम करेंगे इससे कुछ नया पैदा होगा तो बेसिकली यहाँ पर वो कहलाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन यही हम लोग फसलों के अंदर करते हैं एक फसल उठा ली और उसी की वैरायटी की दूसरी उठा ली दोनों की दोनों की ब्रीडिंग करवा दी ब्रीडिंग करवाने के बाद में क्या होता है एक नई फसल हम लोग को मिलती है जिसमें दोनों नंबर वन और नंबर टू की क्वालिटीज़ होती हैं समझ में आ गया बिल्कुल रॉ शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है सिंपल भाषा में क्लियर हुआ अब बात यही आती है कि सर चलो हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप बना ली अब इसको रेगुलेट कौन करता है भारत में भारत में कौन सी बॉडी है जो कि इसको देखती है कौन सी बॉडी है जो इसकी इसको मॉनिटर करती है तो इंडिया के अंदर इस पर्टिकुलर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन को लेकर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब रेगुलेट की जाती हैं एक एक बॉडी के थ्रू एक मिनिस्ट्री के थ्रू और वो मिनिस्ट्री कौन सी है वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवॉर्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और ये बॉडी भी कैसे रेगुलेट करती होगी किसी एक्ट का इस्तेमाल कर करती है और वो एक्ट कौन सा है वो है एनवॉर्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को हम भारत में रेगुलेट करते हैं उसके पीछे एक बॉडी है एम ओ ई एफ सी सी जिसके बारे में बताया और ये एक, एक एक्ट का इस्तेमाल करके इनको पूरी तरह से रेगुलेट करने का वर्क करती है क्लियर हो गया तो इतनी ये बॉडी तो जिम्मेदार है ही इसके साथ साथ एक और बॉडी बनाई गई है वो है जी ई ए सी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी ये भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर में ही आती है इसको भी काम दिया गया है कि सर आपको देखना है कि हमारे देश में जो भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाली चीज़ें हो रही हैं इसको रिव्यू करना मॉनिटर करना या इस पर्टिकुलर क्रॉप के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखने का काम सारा जी ई के पास में आ जाता है साथ ही साथ में ये दो चीज़ें तो हो गई कि भैया इसके माध्यम से रेगुलेट हो रहा है एक और चीज़ आ जाती है जो भी हमारी जीएम वाली क्रॉप्स होती हैं जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आगे से इसको मैं जीएम एम बोलूँगा तो यहाँ पर जो हमारी जी एम क्रॉप्स हैं इनको एफ एस एस ए आई के थ्रू भी रेगुलेट किया जाता है यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसको रेगुलेट करती है जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट टू थाउजेंड सिक्स के अंडर में आता है क्लियर हो गया आगे आता है अब होता क्या है हाल ही में एक खबर आती है ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं हाल ही में खबर आती है कि जो जी ई ए सी बॉडी है ना ये क्या करती है ये हमारा जो मस्टर्ड होता है जो सरसों होता है इस सरसों के अंदर इन्होंने ये बोला कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड वाला सरसों है ना वो आप कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो यानी कि आप एक ऐसा मस्टर्ड कल्टीवेट कर सकते हो जिसके जीन के अंदर आपने बदलाव किया हो ठीक है ना और उसको कमर्शियली कल्टीवेट कर सकते हो कमर्शियली का मतलब है कि आपने उसको उगाया और उसको उगा कर एक्सपोर्ट कर, कर या जैसे तैसे उससे पैसा भी अर्न किया ठीक है ना तो इस प्रकार से यहां पर इसको रिसेंटली एक अप्रूवल मिला है क्या इससे पहले कोई और जेनेटिकली मोडिफिकेशन क्रॉप है जिसको हम ग्रो कर, कर उससे पैसा अर्न करते हैं यानी कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए उसको अलाउ कर रखा है तो हाँ है वो कौन सी क्रॉप है वो है बीटी कॉटन ठीक है ना तो भारत में केवल और केवल एक जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप है वो है बीटी कॉटन जिसको कमर्शियली कल्टीवेशन की अनुमति मिल चुकी है वो भी साल 2002 में ठीक है ना क्योंकि हमने देखा हमने उस समय पर क्या किया देखो उससे पहले बीटी कॉटन से पहले भी हमारे पास में एक कॉटन कपास हुआ करता था लेकिन वो कपास बहुत कमज़ोर था कमज़ोर का मतलब उसको उगाते थे तो उसमें कीड़े लग जाते थे उसकी वजह से वो कपास मर जाता था तो फसल इतनी अच्छी होती नहीं थी लेकिन हमने यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन कर दिया एक कपास के दूसरे कपास के साथ में ब्रीडिंग करवाई उससे हमें एक नया क्वालिटी वाला कपास मिला उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसके ऊपर कोई भी कीड़े का अटैक नहीं हो पाता मतलब कीड़ा अटैक भी करता है तो उसको वो झेल लेता है तो बहुत सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर एंटर कर चुकी हैं तो बीटी कॉटन का यही एक फ़ायदा है कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप में फेस कर सकता है वही बात यहाँ पर बताई जा रही है क्लियर हो गया बीटी का मतलब है बेसिलस थ्रेंजेंसिस ठीक है ना ये बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि यहां पर मेनली सॉइल के अंदर पाया जाता है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो ये कीड़ों को मारने में अपनी कैपेबिलिटी रखता है खासकर को, कीड़ा कौन सा है वो है कॉटन बोलबॉम इसका अटैक बहुत ज़्यादा हुआ करता था किसके ऊपर हमारी कपास के ऊपर बट अब यहाँ पर हमने एक प्रकार से ऐसा कपास बना लिया है जो कि डायरेक्टली उन कीड़ों को ही मारेगा कीड़ों को मात देगा ठीक है ना वैसे हम लोग अभी रिसेंटली क्या कर चुके हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो सरसों होता है ना इसको भी अप्रूवल दे चुके हैं तो सर अब यहाँ पर एक सवाल आता है वॉट आर द की कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक यहाँ पर ये जो टेक्निक है ना इसका कंट्रीब्यूशन क्या है इसका योगदान क्या है इसको समझते हैं इसका योगदान बहुत बड़ा है जैसे हम अगर फसलों में ये चीज़ें कर रहे हैं तो इसको हम अलग अलग दूसरी दूसरी जगह में भी दूसरे फील्ड में भी इसको अपना सकते हैं जैसे हम अपने फार्मा सेक्टर के अंदर जो हमारे दवाइयों वाला सेक्टर है ना इसके अंदर भी एक क्रांति ला सकते हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर कर है ना जो भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल्स हैं यहाँ पे हम नई नई चीज़ें बहुत सस्ती वैक्सीन्स बना सकते हैं इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं आप कह सकते हो कि दो चीज़ों को मिलाकर काफ़ी सारे काम किए जा सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स को चीपर बनाया जा सकता है कुछ अच्छी ड्रग्स बनाई जा सकती हैं कुछ ऐसी बीमारियाँ जिसके लिए कोई दवाई नहीं है उस प्रकार की दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं ये बात यहाँ पर बोली गई फिर उसके बाद में दूसरा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है हर्बिसाइड टॉलरेंस मतलब जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो कीटाणु होता है ना कीड़े जो होते हैं कीड़े हमारी फसलों को अटैक करते हैं उसको मारने में एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है और यही काम ये करता है कि अब सपोज़ यहाँ पर आपके पास में अभी जो मस्टर्ड है ना जो अभी सरसों मिलता है वो कौन सा सरसों मिलता है वो है वरुण वो सरसों है वरुण अब इसकी हम ब्रीडिंग करवाएंगे दूसरे के साथ में हमें एक नई क्वालिटी का मिलेगा हो सकता है वो जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी हो कि उसके ऊपर कीड़ों का कोई अटैक ना हो अगर कीड़ों का अटैक हो तो उसके ऊपर कोई असर ना पड़े वो पेस्ट रेजिस्टेंट वाली क्रॉप हो है ना तो ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं तो मतलब आप कह सकते हो कि इसके अंदर एक ये फ़ायदा होता है कि ये इतनी मजबूत होती है कि वो कीड़ों को मात दे सकती है तीसरा फायदा देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज अडाप्टन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है ना जब भी हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाते हैं तो उस क्रॉप के अंदर उस फसल के अंदर ऐसी क्वालिटी आती है कि वो हमारे क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को झेल सकती है मतलब सपोज़ यहाँ पर कहीं पर बारिश वगैरह नहीं हुई सूखा पड़ गया अब वो एरिया जब पूरी तरह से सूखा पड़ गया है कुछ है नहीं वहाँ पर पानी की काफ़ी बड़ी कमी है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो उगाई जा सकती है ऐसी क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप हो सकती है क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं इनमें पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है नहीं तो बाकी सारी जो मेजर फसलें हैं उनके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है ये आपने पता है फिर उसके बाद में एक और कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्ट्रीब्यूशन टू फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी के अंदर मतलब यहाँ पर यह है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होती हैं ये कम एरिया में बहुत ज़्यादा उगती हैं मान लो एक नॉर्मल फसल है उसको आपने उगाया तो नॉर्मल फसल जब उगाते हो तो एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया में सपोज आपने उगाया तो नॉर्मल फसल यहाँ पर एक चलो इनफ मात्रा में उग गई लेकिन जब आप उसी पर्टिकुलर एरिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड वाली फसल उगाते हो तो उससे क्या होता है ना आप मतलब देख सकते हो एक चेंज देख सकते हो चेंज एक बदलाव ये देख सकते हो कि वो एरिया पूरी तरह से भर जाता है बहुत घनी तरीके से फसलें निकलती हैं मतलब आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा फूड सिक्योरिटी आएगी यानी हर एक व्यक्ति तक प्रॉपर अनाज पहुँचेगा तो ये भी यहां पर इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है क्लियर हुआ तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है लेकिन अब बात यहां पे बताई जाती है कुछ चैलेंजेस के बारे में सर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चैलेंजेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं प्रॉब्लम क्या है सबसे पहली बात हो सकता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर जाए मतलब यहां पर यह है कि चलो आपने एक बहुत अच्छी फसल को बना लिया उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं वो कीड़े को मात दे देती है वो सूखे में भी उग रही है फसल वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उग रही है चलो सारी क्वालिटी है लेकिन हो सकता है उसके अंदर न्यूट्रिशन ना हो है ना जो चीज़ मेन चाहिए हमें वो चीज़ ना हो उसके अंदर पोषण ना हो अब पोषण नहीं है तो यार वो कितनी उग जाए उसका कोई इतना फ़ायदा है नहीं ठीक है ना तो कभी कभी हम देख पाते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू से जो हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं क्लियर हो गया दूसरा यहाँ पर क्या होता है एक दिक्कत ये है लॉस ऑफ इंडिजीनियस वैरायटी देखो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है आप ज़बरदस्ती ब्रीडिंग करवा कर एक नई क्वालिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिर यहाँ पर जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है वो दब रहा है और जो इंडिजीनियस वेरायटियाँ हमारी खुद की जो पाई जाने वाली वेराइटी हैं वो खत्म होने लगती हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है एक कंसर्न ये है फिर आता है रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है वो क्रॉप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाए क्योंकि उस मॉडिफिकेशन से ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही होगा हमें कुछ पता नहीं है हम वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं दो को मिलाकर कुछ नया बना रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पर वो बहुत खतरनाक हो यह हो सकता है वो जहर बन जाए लोगों के लिए है ना तो उसके रिएक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं ऐसा यहाँ पर बोला गया या फिर एक प्रॉब्लम यह है कि वो वाइल्ड लाइफ के लिए ख़तरा बन सकता है क्योंकि तो होता यह है कि जब भी हम लोग किसी प्लांट के जीन के अंदर चेंजेस करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी वाइल्ड लाइफ के ऊपर बाकी सारे जानवरों के ऊपर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को बनाया जैसे टोबैको हो गया तंबाकू या फिर चावल आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला बना लिया ठीक है ना तो क्या होगा अब सपोज़ वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है तो क्या होगा कि आप उसको फेंक दोगे फेंकोगे तो बेसिकली जो उस क्रॉप का जो कूड़ा होता है जब आप उसको फेंकोगे डेब्रिस को फेंकोगे फील्ड के अंदर तो अगर वहाँ पे जो बाकी सारे जानवर हैं हिरण हैं चूहा है वो जब उसको खाएगा तो उनकी जान को भी काफ़ी ख़तरा हो सकता है आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी क्लियर हुआ नाउ अब उसके बाद में राइटर बोलते हैं कि चलो हमने समझा जी क्रॉप क्या है फायदे क्या है नुकसान क्या है ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है अब बात आती है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है यानी कि इसका एक कंक्लूजन क्या हो सकता है क्या उपाय हो सकता है तो राइटर मैंशन करता है कि देखो तो हमें ज़रूरत है कि हम काम करें ठीक है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है लेकिन ये काम किया जाए एक कोलेब्रेशन के साथ में और ध्यान रखा जाए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड तब किया जाए जब हमारे नीड हो एनवायरमेंट के अंदर नीड हो पॉपुलेशन के लिए नीड हो हर चीज़ की ज़रूरत हो उसके बेसिस पर यहाँ पर उसका काम करना चाहिए वो बात यहाँ पे बोली गई है ठीक है ना और साथ ही साथ में देखो एक फ़ायदा ही है इसका कि हम लोग क्या करते हैं वेस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं और बेसिकली एक ऐसी फसल बनकर निकल कर आती है जिससे कि वेस्ट थोड़ा सा कम निकलने लगता है तो इसके ऊपर थोड़ा सा काम होना चाहिए लेकिन बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए ऐसा यहाँ पर राइटर मैंशन करते हैं क्लियर हो गया तो ये था पूरा का पूरा पर्टिकुलर एडिटोरियल जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट था नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं नाउ ये पर्टिकुलर आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्या बात की जा रही है आर देयर एंटी सुपर स्टेशन लॉज इन इंडिया देखो भारत के अंदर ना बहुत सारी जगह पर अंधविश्वास दिखाया जाता है जादू टोना होता है तो क्या जादू टोना ब्लैक मैजिक अंधविश्वास इन सब को लेकर कोई कानून है भारत के अंदर इन चीजों को टैकल करने के लिए उसके बारे में चर्चा की जा रही है तो पूरे मतलब बहुत सारे राज्य हैं जिनके पास में अपना खुद का कानून है तो उन सभी राज्यों के बारे में चर्चा की गई है किस किस के पास में अपना खुद का कानून है वो डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले आपको जानना ही होगा कि आर्टिकल आखिरकार न्यूज़ में क्यों आया देखो अभी जो संडे निकला है इससे पहले वाले संडे में मैंने एक केस आपको पढ़ाया था ह्यूमन सेक्रीफाइस वाला केस केरला के अंदर क्या हुआ इंसान की बलि चढ़ा दी गई दो महिला की बलि चढ़ा दी गई दो महिला की बॉडी बकायदा यहाँ पर आप कह सकते हो टुकड़ों टुकड़ों में काटने के बाद में उनकी बलि बि चढ़ा दी गई और वो सारा काम यहाँ पर बेसिकली एक व्यक्ति था जो कि अंधविश्वासी था उसने दो लोगों को अपने जाल में फंसाया है ना फंसाने के बाद में यहाँ पर उनसे ये सारा काम करवाया कि आप तुमको मैं अमीर कर दूंगा तुम्हें पैसे की जरूरत है ये सब कर दूंगा तो ऐसे यहाँ पर उनसे काम करवाया तो ये केरला के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था आप देखोगे उसी आर्टिकल के बारे में चर्चा की जा रही है केरला के अंदर ब्लैक मैजिक देखने को मिला जिसकी वजह से दो महिला की बलि चढ़ा दी गई तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सुपर स्टेशन को लेकर हमारे पास में कुछ कानून कुछ लॉज होने चाहिए जो कि इस चीज़ को टैकल करें फिर एक बात ये निकल कर आती है क्या जो इस प्रकार से किलिंग्स हो रही है बली वगैरह चढ़ाई जा रही है क्या ये कॉमन है क्या तो हाँ एक रिपोर्ट निकल कर आती है कौन सी साल 2021 की नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आपको बताऊगा एन सी क्या करता है हर साल एक रिपोर्ट निकालता है और बताता है कि किन किन इंसान की किस किस कारण की वजह से मृत्यु हुई है कौन कौन से क्राइम बड़े हैं तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो देखोगे 2021 के अंदर छः डेथ छः मृत्यु हुई हैं जो कि ह्यूमन सेक्रीवाइस वाले केस हैं यानी कि छः लोगों की बलि चढ़ाई गई और विच क्राफ्ट के हम लोग बात करें यानी कि जैसे कि यहाँ पर बोला जाता है कि इस महिला के अंदर डायन है इस महिला को मार दिया जाए इसको टॉर्चर किया जाए तो ऐसे जो विच क्राफ्ट है ये भी देखने को मिला है जो जादू टोना वाली सिचुएशन है विच हंटिंग होती है वो जो मैंने आपको बताया जो जादू टोना वाला है जो केसेस हैं जो उस जादू टोना की वजह से सड़सठ लोग सॉरी सिक्सटी एट अड़सठ लोग ही जान गई है और विच क्राफ्ट वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं यानी कि एक महिला के अंदर डायन है फिर उसके बाद यहाँ पर उसको डायन बताते हुए यहाँ पर उसको मार दिया जाता है टॉर्चर कर करके मार दिया जाता है तो विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही हैं तो इस प्रकार से जो ये केसेस हैं ना ये बहुत सारे निकल कर आए मतलब ऐसी कारण की वजह से भी साल 2021 में बहुत सारे लोगों की जान गई है तो इस वजह से हमें जरूरत है किस चीज की एक एंटी सुपरस्टिशन लॉ की एक ऐसे कानून की जो कि बेसिकली इस अंधविश्वास से टैकल करे इससे लड़े और जो भी ये काम कर रहा है उनको सजा दे तो आप देखोगे ना जो विच क्राफ्ट वाले केसेस है वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ से देखने को मिले हैं छत्तीसगढ़ के बाद में छत्तीसगढ़ में बीस केस निकल कर आए थे उसके बाद मध्य प्रदेश से अट्ठारह तेलंगाना से ग्यारह केरला में हमने अभी देखा कि कुछ केस निकल कर आए दो केस निकल कर आए ह्यूमन सेक्रीफाइस के साल 2020 में भी ऐसे ही केस निकल कर आए थे 88 डेथ हुई थी विचक्राफ्ट की वजह से जादू टोना की वजह से 11 मृत्यु हुई थी ह्यूमन सेक्रीफाइस की वजह से इंसान की बलि चढ़ा दी गई थी तो आप कह सकते हो कि ऐसे केसेस हमेशा देखने को मिल रहे हैं साल 2020-21 हमेशा हर साल हम देख पाते हैं ऐसे केसेस आते हैं तो क्या कोई कानून नहीं है कि हमारे पास में इस सुपर स्टेशन को टैकल करने के लिए इस जादू टोना को टैकल करने के लिए तो आप इसको समझते हैं कि हमारे पास में इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कानून हैं देखो इंडिया में अगर हम लोग सेंट्रल लेवल पर बात करें मतलब ओवरऑल पूरे देश के लिए जो कानून होता है ना वैसा कोई लॉ नहीं है अपने अपने राज्यों का खुद का अलग अलग कानून है जो कि उन्होंने अपने हिसाब से बना रखा है लेकिन देश के लिए पूरा एक सेंट्रल लेवल पर जो लॉ है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा जो सुपर स्टेशन विच क्राफ्ट को टैकल करे लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टेट की तो बिहार पहला राज्य बना था भाई इस काम में बिहार बहुत आगे है बिहार पहला राज्य बना था जिन्होंने यहाँ पर अपने यहां पर एक विच क्राफ्ट को टैकल करने के लिए लॉ लेकर आए थे कौन सा लॉ था द प्रिवेंशन ऑफ विच यानी डायन प्रैक्टिस एक्ट केम ए टू फोर इन अक्टूबर नाइनटीन नाइनटी नाइन नाइनटीन नाइनटी नाइन में इस पर्टिकुलर एक्ट को बिहार ऑलरेडी लेकर आ चुका था ठीक है ना और इस एक्ट के अंदर बोला गया अगर कोई भी व्यक्ति ये काम करेगा जादू टोना करेगा तो उसको जेल हो सकती है तीन महीने की और साथ ही साथ में उसके ऊपर हज़ार रुपये का फाइन भी लगाया जाएगा या फिर वो नहीं मानेगा तो जेल फाइन दोनों हो सकता है इसी प्रकार का सिमिलर लॉ साल 2001 में झारखंड में भी लेकर आया गया जिसका नाम था द प्रिवेंशन ऑफ विच क्राफ्ट डाइन प्रैक्टिस एक्ट तो झारखंड के अंदर की भी यहाँ पर यह पूरा कानून आ जाता है और फिर झारखंड के बाद में आप देखोगे छत्तीसगढ़ भी एक कानून लेकर आता है छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहाँ पर एक कानून लेकर आया गया कौन सा छत्तीसगढ़ तो ना ही प्रदत्त सॉरी प्रदत्न निर्वहन एक्ट ओनली इन 2005 2005 में यहाँ पर एक्ट लेकर आया गया था छत्तीसगढ़ में यहाँ भी बोला गया अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से विच क्राफ्ट कर रहा होगा तो उसके ऊपर फाइन और सज़ा दोनों दी जाएगी फिर छत्तीसगढ़ के बाद में ओडिशा भी इस प्रकार से अपना यहाँ पर एक कानून लेकर आया प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल पास किया गया था असेंबली में साल 2013 में ठीक है ना फिर उसके बाद में आप देख पाओगे महाराष्ट्र भी यहाँ पर इस प्रकार से एक लॉ लेकर आया महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड एरिडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इन्यूमन ईवल अंगोरी प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन बड़ा लंबा छोड़ा एक्ट था जहाँ पर इन्होंने काला जादू वगैरह को ख़त्म करने के बारे में चर्चा की थी अगर इस प्रकार की कोई चीज निकल कर आती है तो इनको टैकल किया जाएगा ठीक है ना फिर उसके बाद में आप देखोगे असम भी यहाँ पर इस प्रकार से एक एक्ट लेकर आया फिर उसके बाद में कर्नाटका की बात की जा रही तो कर्नाटका के भी एक्ट लेकर आया तो ये कुछ यहाँ पर आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे जिनके पास में अपना खुद का कोई ना कोई कानून है लेकिन आपसे पूछा जाए क्या कोई सेंट्रल लेवल पर क्या कोई नेशनल लेवल पर देश के स्तर पर कोई कानून है इस इन जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए सुपर स्टेशन ब्लैक मैजिक इन जैसी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए तो हमारे नेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है हर एक स्टेट का अपना खुद का स्पेसिफिक लॉज उन्होंने डेवलप कर रखा है क्लियर हो गया बात ठीक है ना तो ये था यहाँ पर एक छोटा सा एडिटोरियल नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं नाउ अगला जो एडिटोरियल है ये बात करता है द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिलिविजन ऑफ राजभवन राजभवन क्या कौन सा होता है राजभवन होता है हमारे गवर्नर का रेजिडेंस जहां पे हमारे गवर्नर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं राजभवन जहाँ पे हमारे गवर्नर बैठते हैं ठीक है ना तो अभी क्या हुआ राइटर मेंशन करता है कि भैया जो गवर्नर है ना वो अपने जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं गवर्नर की पावर जो है वो अलग तरीके से डिफाइन करी गई है लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल अलग तरीके से हो रही है सर वो चीज़ यहाँ पर राइटर बोलते हैं एक एक करके समझेंगे डोंट वरी सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बहुत सिंपल से शब्दों में बताने वाला हूँ हालांकि आर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बिल्कुल एकदम स्क्रैच से बिल्कुल सिंपल से सिंपल भाषा में क्लियर करवाऊँ चलो समझते हैं ये केस निकल कर कैसा आया ये केस है सर केरला का कहाँ का केरला का तो केरला के जो गवर्नर हैं ये रिसेंटली एक ट्वीट करते हैं ट्विटर पर और वो ट्वीट क्या था ट्वीट ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति कुछ भी ऐसी बातें बोलता है जिससे गवर्नर की डिग्निटी को नुकसान पहुंचता है है ना गवर्नर की जो मान और मर्यादा है इसको नुकसान पहुंचता है तो गवर्नर उस मिनिस्टर को ना उस मंत्री को उसके पद से हटा देगा उस मंत्री का जो प्लेजर है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है उसको विदड्रॉ कर लेगा ऐसा यहाँ पर रिसेंटली केरला के गवर्नर ने अपना ट्विटर पर एक आप कह सकते हो ट्वीट कर दिया उसके बाद में सर केरला के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई क्या गवर्नर ऐसा कर सकता है किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है उसका जो प्लेजर है वो विड्रॉ कर सकता है तो इसको लेकर यहाँ पर एक कॉन्ट्रोवर्सी से अडेप्टई है उसी को यहाँ पर राइटर क्लियर करते हैं तो वही चीज़ हम लोग समझेंगे राइटर खुद बेसिकली एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जिनका नाम है कलिश्वरम राज समझ में आई बात देखो अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट है ना हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को गवर्नर से संबंधित जो भी बातें वो हमारे संविधान में आर्टिकल 153 से लेकर आर्टिकल 161 तक यहाँ पर बोली गई हैं या आर्टिकल 162 तक बोली गई हैं तो आर्टिकल 153 से लेकर आप देखोगे ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जहां पर गवर्नर के बारे में सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होना है गवर्नर के पास में क्या क्या पावर्स हैं वो सारी बातें हमारे संविधान में यहाँ पर लिखी हुई हैं क्लियर हुई इंफॉर्मेशन तो बताया ये जाता है कि गवर्नर बनता कैसे है गवर्नर अपॉइंट कैसे होता है तो गवर्नर को डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है प्रेसिडेंट अपनी तरफ से अपॉइंट करते हैं भाई यहाँ पर इन व्यक्ति को गवर्नर बनना चाहिए तो प्रेसिडेंट यहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करता है और फिर गवर्नर अपॉइंट करता है हमारे चीफ मिनिस्टर को राज्य के स्तर पर गवर्नर होता है सभी को पता है राज्य के लेवल पर गवर्नर होता है और गवर्नर ही क्या करता है उस पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है ये भी आपने ध्यान में रखना है ये मैंने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताई है आगे मैं आपको और भी डिटेलिंग्स बताऊंगा चलो फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं अब होता क्या है देखो होता यहाँ पर यह है कि भैया रिसेंटली एक कॉन्ट्रोवर्सी रफ्ट होती है क्या गवर्नर के पास में पावर है ऐसी कि गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को उसके पद से हटा दे तो इसको समझते हैं राइटर ने बोला कि भैया जब आप लोग देखते हो ना आर्टिकल को तो आर्टिकल 163 सिक्सटी थ्री क्लास वन और आर्टिकल 163 सिक्सटी थ्री क्लास टू इन दोनों को बहुत अच्छे से हमें देखना होगा तो जो आर्टिकल 163 सिक्सटी थ्री क्लॉज वन है ना आर्टिकल 163 सिक्सटी थ्री क्लॉज वन जो है वो क्या बोलता है वो ये बोलता है कि जो गवर्नर है गवर्नर को काम करना होता है सपोज यहाँ पर गवर्नर जो है ना ये क्या करता है मिनिस्टर्स को हमारे अपॉइंट करता है मिनिस्टर का जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है वो गवर्नर के पास में होता है यानी गवर्नर इस प्लेजर को विदड्रॉ कर ले तो उस मिनिस्टर को हटना पड़ेगा उस पद से तो मतलब गवर्नर हटा सकता है ये तो सिंपल सी बात हो गई कि भैया गवर्नर हटा सकता है यहीं पर मुद्दा ख़त्म होना जाना चाहिए लेकिन ख़त्म क्यों नहीं होता है क्योंकि गवर्नर हटा तो सकता है लेकिन गवर्नर को पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस चाहिए होगा ये बात आर्टिकल वन सिक्सटी थ्री क्लॉज वन में लिखी हुई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं पहले ये एड और एडवाइस देते हैं अपनी गवर्नर को फिर उसके बाद गवर्नर यहाँ पर हटा सकता है किसी को अपने पद से लेकिन रिसेंटली गवर्नर ने क्या धमकी दी ट्वीट के ऊपर कि मैं अपने आप से इस मिनिस्टर को हटा दूंगा तो क्या इंडिविजुअल गवर्नर इन पावर्स को एंजॉय करता है तो ऐसा नहीं है यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे एड और एडवाइस देते हैं वो एडवाइस देंगे तब गवर्नर आगे काम कर पाएगा ऐसा आर्टिकल 163 क्लॉज वन में लिखा गया है क्लॉज वन बोल रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुनना अब आगे की कहानी बताता हूँ अब यहाँ पर बात आती है आर्टिकल वन सिक्सटी थ्री क्लास टू की इसी का यहाँ पर क्लास टू क्लास टू के अंदर कहानी पलट जाती है ऊपर तो भैया गवर्नर के पास में डायरेक्टली पावर्स नहीं है ये आपको समझ में आ गया लेकिन यहाँ पे गवर्नर के पास में पावर आ जाती है आर्टिकल वन सिक्सटी थ्री क्लास टू के अंदर क्या बोला गया है कि जो गवर्नर है वो कुछ मैटर्स के ऊपर ध्यान रखना सर्टेन मैटर्स लिख देता हूँ कुछ मैटर्स के ऊपर अपना खुद से डिसीजन ले सकता है लेकिन जब वो खुद से डिसीजन लेता है तो वो बेसिकली उसकी डिस्क्रिप्शन पावर्स होती हैं है ना जब वो खुद से डिसीजन लेता है तो वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स कहलाती हैं और उस डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब है कि वो सक्षम है कि वो डिसाइड कर सकता है किसी भी मैटर के ऊपर में लेकिन वो किसी सर्टेन मैटर्स पर ही वो बेसिकली जब कोई कंडीशन होगी तभी वो पावर्स आती हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं क्योंकि गवर्नर के पास में जो पावर आती है कि ठीक है वो किसी मिनिस्टर को हटा सकता है डिस्क्रिशनरी वाले पावर्स का इस्तेमाल करेंगे वैसे वन सिक्सटी थ्री क्लॉज के अंदर क्लॉज वन में क्या बोला गया है कि पहले तो भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड और एडवाइस अगर गवर्नर के पास में होगा तभी गवर्नर उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को हटा सकेगा लेकिन क्लॉज टू में बोला गया कि गवर्नर के पास में कुछ पावर्स आती हैं जो कि डिस्क्रिशनरी पावर्स कहलाती हैं लेकिन लेकिन वो कुछ ही कंडीशंस में होती है फॉर एग्जांपल मान लो गवर्नर को क्या करना है एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है मैंने आपको स्टार्टिंग बताया गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो गवर्नर को चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है लेकिन यहाँ पे सपोज यहाँ पर किसी पार्टी के पास में कोई मेजोरिटी नहीं है अगर किसी पार्टी के पास में मेजोरिटी होगी तो अपने आप में इलेक्शन के बेसिस पर चीफ मिनिस्टर को बना पाएंगे लेकिन किसी पार्टी के पास में मेजोरिटी है नहीं तो ये एक कंडीशन हो गई उस कंडीशन के बेसिस पर हमारे गवर्नर के पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर आती है कि गवर्नर अपने आप से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके क्लियर हो गया या फिर आप कह सकते हो जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है सपोज यहाँ पर मेजोरिटी ख़त्म हो गई इस पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली में मैजोरिटी में कोई है ही नहीं तो गवर्नर क्या कर सकता है उसको डिजोल्व कर सकता है तो ये पावर्स आती हैं कब जैसे कोई मैजोरिटी में नहीं है तब वो पावर्स आती हैं यानी कुछ कंडीशंस होंगी तब वो पावर्स आती हैं गवर्नर के पास में ऐसे नहीं आती हैं ये बात यहाँ पर राइटर बोलते हैं तो मतलब जो इन्होंने ट्वीट किया है केरला के, के गवर्नर ने इनको ये सोच समझ के ट्वीट करना चाहिए था क्योंकि जो कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट हुई है ना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं गवर्नर के पावर्स को लेकर क्लियर हुआ तो आर्टिकल 163 सिक्सटी थ्री वन क्लास वन सॉरी वन सिक्सटी थ्री क्लास वन और 163 सिक्सटी थ्री क्लास टू क्या बोलता है ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है फिर उसके बाद में और क्या मेंशन किया गया जब आप लोग संविधान को बहुत अच्छे से डिटेल से देखते हो तो गवर्नर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको पता होगा राइटर बोलते हैं संविधान को देखोगे ना तो ये जो गवर्नर का कॉन्सेप्ट है गवर्नर का जो ऑफिस है ये कॉलोनियल ओरिजिन है मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में गवर्नर हुआ करता था और वैसे हम लोगों ने अपने संविधान में भी इम्प्लीमेंट कर लिया है क्योंकि तो हमने अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से डायरेक्टली ली हुई हैं आपको बताओगे हमारे संविधान से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ करता था संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसी पर्टिकुलर एक्ट से उठाई गई हैं तो इसके अंदर भी आपको गवर्नर देखने को मिलेगा जो गवर्नर है ना वो क्या करता था हमारे सरकार के एडवाइस के ऊपर काम किया करता था उस समय पर उस एक्ट के अंदर ये सारी बातें लिखी गई थी तो वही बात बोला गया कि उसी समय की चीज़ें यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो ये हमने देखा लेकिन इसी वजह से डिबेट भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी जब गवर्नर की पोजीशंस को हम गवर्नर लेकर आ रहे थे अपने संविधान के अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो डिबेट है ना ये डिबेट हुई थी जून दो नाइनटीन में क्योंकि आपको पता होगा 1947 में देश आज़ाद होता है लेकिन हमारा संविधान उस समय नहीं बनता है 1947, 48, 49, फोर्टी एट साल लगते हैं तब जाकर हमारा संविधान बनता है फिर जाकर वो जनवरी में उसके बाद में 1950 में जनवरी में जाकर यहाँ पर उस संविधान को साइन किया जाता है ठीक है ना तो थोड़ा टाइम लगता है संविधान बनने में बीच में जो भी मुद्दे उठाए गए थे उनको लेकर हमेशा डिबेट हुई थी हर एक टॉपिक के ऊपर डिबेट हुई थी कुछ ही टॉपिक्स ऐसे थे जैसे वोट वाला टॉपिक था जिसको डिबेट लेकर डिबेट ज़्यादा हुई नहीं थी कि यहाँ पर वोट देना सबको अलाउ किया जाए इसको लेकर ज़्यादा डिबेट नहीं हुई थी लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत अच्छी डिबेट हुआ करती थी ऐसी गवर्नर वाले टॉपिक के ऊपर भी डिबेट हुई थी ये बात यहाँ पर राइटर मैंशन करते हैं तो ये तो उन्होंने खैर यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया फिर उसके बाद में आपने ध्यान में रखना है गवर्नर्स के पावर्स के बारे में जो कि मैंने आपके यहाँ साथ में डिस्कस किया है ठीक है ना तो इंडिविजुअली गवर्नर के पास में ऐसी पावर्स नहीं आती हैं ये आपको ध्यान में रखना है इंडिविजुअली पावर्स नहीं आती हैं क्योंकि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में उनके एड और एडवाइस के बेसिस पर काम करना है तो केरला के गवर्नर ने जो ये ट्वीट किया है वो ट्वीट नहीं करना चाहिए था बाकी अगर हम लोग बात करें गवर्नर के रोल की तो मैं आपको थोड़ी सी और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि आपके की किताब के अंदर लिखी हुई है सबसे पहली बात गवर्नर जो है ना वो डुबल कैपेसिटी में काम करता है गवर्नर बेसिकली एक लिंक है लिंक मतलब जो हमारी राज्य सरकार होती है जो हमारी केंद्र सरकार होती है इन दोनों को जोड़ने वाला काम करता है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है गवर्नर ठीक है ना ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना तो पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो गवर्नर को लेकर काफ़ी बार हमने देखा है अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज निकल कर आई हैं वो टॉपिक हमारा नहीं है टॉपिक हमारा है कि हमें जानना है गवर्नर को लेकर संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं तो गवर्नर के बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल एक से शुरू हो जाती है आर्टिकल एक बोलता है कि हर एक राज्य के पास में एक गवर्नर होना चाहिए और एक पर्सन हम लोग गवर्नर को अपॉइंट मतलब एक गवर्नर जो होगा ना हर एक राज्य के लिए होना चाहिए इसमें एक बात और बोली गई है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दो राज्य का एक ही गवर्नर हो ठीक है ना या दो से दो दो से ज्यादा राज्यों का गवर्नर एक भी हो सकता है लेकिन हर एक राज्य के पास में गवर्नर होना चाहिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा आर्टिकल 153 के अंदर बोला गया गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मैंने आपको बता दिया इसके बारे में और गवर्नर का एक डुबल रोल होता है गवर्नर हमारे स्टेट का एक हेड होता है ये काम करता है एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब बोलेंगे वह तब यहां पे जाके एक कदम उठाया जाएगा गवर्नर के थ्रू गवर्नर एक इंपॉर्टेंट लिंक का, का काम करता है मैंने आपको बता दिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जोड़ने का, का काम करता है गवर्नर फिर आर्टिकल एक आर्टिकल वन और आर्टिकल वन के अंदर गवर्नर के पोस्ट को लेकर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया है कि हाँ इंडिया का सिटीज़न ये और वो इतनी एज ये सब कुछ होना चाहिए तब जाकर वो गवर्नर बनेंगे फिर आर्टिकल एक सौ इकसठ के अंदर गवर्नर के पार्डनिंग पावर्स के बारे में कि गवर्नर यहाँ पर किस किस को क्षमा कर सकते हैं कोई यहाँ पर कह दिए उसको क्षमा किया जा सकता है छूट दी जा सकती है उसकी सज़ा कम की जा सकती है वो सारी पावर्स आर्टिकल वन सिक्सटी वन में है ठीक है ना बाकी आर्टिकल 163 में मैंने आपको बता दिया है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये दोनों एड और एडवाइस देते हैं गवर्नर को फिर जाके वो जो गवर्नर है अपने फंक्शंस को आगे परफॉर्म कर पाता है फिर आर्टिकल 164 बोलता है कि हमारा गवर्नर ही क्या करता है चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है क्लियर हो गया बाकी अब यहाँ पर देखोगे आर्टिकल 200 आर्टिकल 200 क्या बोलता है जो हमारा गवर्नर है ना वो यहाँ पर अप्रूवल देता है सपोज़ यहाँ पर एक बिल पास करना है लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास हुआ तो लेजिस्लेटिव असेंबली से जब बिल पास होता है तो वह गवर्नर तक जाता है अब वो जो गवर्नर है उस बिल को आगे प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा प्रेसिडेंट को आगे रेफर करेगा या फिर आप कर सकते हो मतलब कर सकता है वो उसके पास में पावर है या फिर उसको अपने पास में रख सकता है या वापस कर सकता है या आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है लेकिन ये पावर है गवर्नर किसी बिल को मान लो कोई बिल है जो कि लेजिस्टिव असेंबली से पास हुआ अब उसको गवर्नर अप्रूवल भी दे सकता है ये आगे प्रेसिडेंट के लिए आगे उसको बढ़ावा दे सकता है है ना ये आपको ध्यान में रखना है या फिर उसको वापस से भी वापस भी कर सकता है क्लियर हो गया आगे आते हैं फिर उसके बाद में यहाँ मैंने आपको बताई दिया है ऑलरेडी गवर्नर कैसे काम करता है राज्य और जो हमारा केंद्र सरकार है उसको लिंक करने का काम करता है गवर्नर का टेन्योर पाँच साल का होता है है ना लेकिन यहाँ पर वो आप कह सकते हो कि वो ऑफिस तक ऑफिस के अंदर रह सकता है अंटिल द प्लेजर ऑफ़ द प्रेसिडेंट मतलब जब तक प्रेसिडेंट उसको रिमूव ना करे तब तक वो ऑफिस में रह सकता है लेकिन वैसे टेन्यूर आपको पाँच साल का देखने को मिलेगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्लियर हो गया ठीक है ना तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन गवर्नर को लेकर तो ये था पूरा पर्टिकुलर एडिटोरियल उसके बाद में आखिरी एडिटोरियल जो है इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्यों <laughs> कहोगे सर क्यों डिस्कस नहीं करोगे तो ये मैं कल ऑलरेडी यार आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ तो प्लीज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और फिर वीडियो बहुत लेट भी हो जाएगा तो कल वाला ही कंटेंट मैं वापस से लेकर आया था यहाँ पर आप देखोगे तो उसी को मैं वापस से एक्सप्लेन करता तो इससे अच्छा आप कल वाला वीडियो ओपन करना और 20 मिनट आगे बढ़ा देना आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा जहां पर मैंने टेररिज्म के बारे में चर्चा करी है काउंटर टेरिज्म कमेटी के बारे में चर्चा करी है अभी परसों काउंटर टेरिज्म कमेटी की एक मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर आतंकवाद कैसे ख़त्म किया जाए उसको लेकर चर्चा की गई है तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कल वाले वीडियो को ज़रा ओपन करना उसमें आप लोग यहाँ पर आराम से इसको पढ़ पाओगे ठीक है ना चलो फिर आज के सेशन को हम लोग करते हैं अब समाप्त और पहले हम लोग करेंगे अपने प्रिलिम्स के क्वेश्चन को समाप्त तो प्रिलिम्स का क्वेश्चन 2015 का था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया हमारा नेशनल एक्टिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है तो वो है गेंगेटिक डॉल्फिन तो सी इज़ द करेक्ट आंसर नाउ मिलता हैं आप लोगों से अगले वीडियो में आज के लिए बाय बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू एंड जय हिंद